हे गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में फिर से। और गुड मॉर्निंग सभी परिवार को मेरी तरफ से। और सुबह की बज रही है 8 और अपने घर के खड्डे में मिट्टी डाल दी थी और पानी भी घुमा दिया, क्योंकि जितना बैठना होगा इतना बैठ जाएगा, फिर बाद में बैठेगा तो दिक्कत होगी, इसलिए पानी घुमा दिया। मोटर चालू करके पूरे खड्डे में भर दिया था पानी, तो मिट्टी जम रही है धीरे धीरे। देख सकते हो भीम बांध रखे हैं, अभी भीम भरे नहीं हैं, तो इसको थोड़ा दबने के लिए रख दिया था हमने, तो दब रहा है अभी फ़िलहाल में। तो रेती अभी मैंने डलवाई नहीं है, और कब से तो 2 ट्राली है, अभी और डलवानी पड़ेगी, थोड़ी सी यूज़ हो गई इसके अंदर से। और ईंट अपने पास 1500 से 1600 ईंट है, तो ईंट भी मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि भीम के नीचे 2-2 थर लगेंगे, तो इसलिए खंजर और मंगवानी पड़ेगी 1 ट्राली। तो अभी फ़िलहाल में अज्जू भैया को मैंने बोला अपने खेत में थोड़ा सूख गया है तो खेड़ दो इसमें, क्योंकि गेहूं बोना है इसके अंदर, तो पूरा गीला गीला था, तो इसलिए वेट करना पड़ा हमारे को सुखाने के लिए। तो फाइनली आज सूख गया, थोड़ा थोड़ा गीला है वहाँ पर, कोई बात नहीं चलेगा, बट आज खिड़वा देते हैं फिर गेहूं बो देंगे। चने बोने का विचार था, बट चने मुर्गी वगैरह खा जाते हैं, इसलिए गेहूँ बोएंगे हम। तो बने रहना वीडियो के ऊपर, वीडियो काफ़ी मस्त बनने वाला है, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो और करो वीडियो को एंजॉय। तो फ्रेंड देख सकते हो मेरे भैया का लड़का डॉग लाया है हमारे लिए, तो रात भर रोते रहा ये, और मनीषा वहाँ पर झाड़ू लगा रही है, और हमने ओदी के अंदर मार्केट में से मच्छी ला के छोड़ी है 5 बड़ी बड़ी वाली, कभी टाइम मिले तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और देख सकते हो ये अपना घर, कुछ पानी भर दिया हमने, सूखने के लिए रख दिया है, थोड़ा बहुत दबेगा वो दब जाएगा और सूख जाएगा, इसके बाद और मिट्टी डालनी पड़ेगी। और अज्जू भैया वहाँ पर खेड़ रहा है, वहाँ से खेड़ के फिर अपने खेत में आएगा, देख लो वहाँ पर टेटका चल रहा है अभी फ़िलहाल में, तो वो खेड़ दे इसके बाद यहाँ पर आएगा। तो ये वाला अपना खेत खिड़वाना है फ़िलहाल में, ये वाला, तो करते हैं वेट अज्जू भैया का। तो फ्रेंड मैं जा रहा था अज्जू भैया के पास, तो अपना डॉगी पीछे 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 आ रहा, तो मुझे वापस आना पड़ा इसको घर पे रखने के लिए। देख लो मेरे पीछे पीछे आ रहा ये, मतलब कल ही लाए और इतना समझदार हो गया कि मतलब रहता ही नहीं है, मतलब पीछे 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 भागता रहता है ये, देख लो। तो मैं जा रहा था, मेरे पीछे पीछे आ रहा था, इसको वापस रखने के लिए घर पर जाना पड़ेगा, झूठ बोल के चुतिया बना के फिर जाना पड़ेगा, वरना पीछे पीछे आता ही रहेगा ये। आजा चलो। तो दोस्तों पूर्वी बहुत खुश हो रही अपने टॉमी को देख के, और पृथ्वी परी वहां पर टॉस खा रही है चाय दूध के साथ और चाय के साथ। हाय बोल दे पृथ्वी परी, हाय। देख लो अपने टॉमी चले गए हैं प्रीति परी के पास, मम खाने आया, इसको भी भूख लगी, मम खाने आया, तुम टोस खा रहे ना अकेले अकेले, इसलिए खाने आया। तो फ्रेंड फाइनली आ गया है अज्जू भैया ट्रैक्टर लेके अपने खेत में, देख लो तो अभी खिड़वाएंगे अपने खेत में, चलो खिड़वा लेते हैं। मनीषा और विक्रम वहाँ पर लकड़ी तोड़ रहे हैं और अज्जू भैया यहाँ पर खेल रहा है, तो फ्रेंड देख सकते हो। तो फ्रेंड अज्जू भैया ने खेड़ना चालू कर दिया है, देख सकते हो, तो 40 से 45 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा खेड़ने में, तो चलो खिड़वा लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो अपना खेत पूरा खिड़वा दिया है ये, तो फ्रेंड फाइनली अपने खेत में खिड़वा दिया है और ट्रैक्टर भी चले गया, 35 मिनट लगे खेड़ने में, तो खेड़ दिया है, तो अभी थोड़ा गीला है, तो शाम को 3-1 बजे गेहूं बो देंगे, तो अभी मैं जा रहा हूं थानला गेहूं लेने के लिए, मैं और विक्रम दोनों, तो चलो चलते हैं थानला और लेके आते हैं गेहूं और खाद। तो फ्रेंड मैं गेहूं ले आया था, गेहूं रख के घर पे और खाद रख के, और चले गया था मैं दीदी के घर पे, थोड़ा पर्सनल काम था,
तो टेटकर अभी तक नहीं आया, तो मैं अभी फ़ोन लगा के, और फ़ोन नहीं लगा तो फिर घर पे गया था, तो घर पे बोल के आया। तो अभी फ़िलहाल मैं टेटकर आ रहा है, और शाम की बजने वाली है 5, तो अभी ओढ़ना बाकी है, तो टेटकर आ जाए, इसके बाद गेहूँ बो देते हैं अपने खेत में। तो फ्रेंड देख सकते हो अपना खेत एकदम लापसिक हो गया है, और टेटकर आ रहा है, 5-1 मिनट लगेगी, और मैं आ गया हूँ खेत में। गेहूँ और खाद तो घर में पड़े हैं, तो अभी उठा लाएंगे, टेटकर आ जाए इसके बाद। तो देख सकते हो ये अपना खेत है, सूखने में बहुत टाइम ले लिया। तो फ्रेंड फाइनली टेटकर आ चुका है, और गेहूं और खाद भी डाल दिया है, तो चलो शुरू करते हैं बोने का। तो फ्रेंड फाइनली बोना चालू कर दिया है, देख सकते हो ट्रैक्टर चल रहा है अभी। तो फ्रेंड देख सकते हो 5:30 बज चुकी है, और दिन भी ढलने वाला है, और अपना आधा खेत बो दिया है, आधा ही बाकी रहा है, अभी चल रहा है अपना ट्रैक्टर, बस ये थोड़ा सा बाकी है, आधा आधा हो चुका है खेत। तो फ्रेंड देख सकते हो इतना सा बाकी रहा है अब। तो फ्रेंड फाइनली अपना खेत हो गया है, बट दोनों तरफ मतलब निकालना बाकी है टेटकर छेड़े छेड़े में, तो इधर घुमा रहा है, और इधर थोड़ा ज़्यादा गीला पड़ रहा है, 2 पट्टी, तो इधर देखते हैं चने डाल देंगे, काबुली वाले या फिर देसी डाल देंगे। तो अभी इधर साइड साइड में चला रहा है, चारों तरफ चलाना बाकी है। तो फ्रेंड फाइनली गेहूँ बो दिए हैं, लास्ट में गीला ज़्यादा पड़ रहा था, तो 2 पट्टी छोड़ दिए हैं, वहाँ पर चने डाल देंगे काबुली। 40 मिनट लगी, फाइनली गेहूँ बो दिए हैं, अब पट्टी बनाना पड़ेगा, मुंह सुधारना पड़ेगा, फिर देखते हैं पानी घुमाएंगे अभी रात को या फिर कल दिन में घुमाएंगे, और दिन भी ढल गया है अब। तो फ्रेंड शाम की 6:30 बज चुकी है, और आ गया हूँ मैं घर पे, अब खाना बना रही है मनीषा, और मैं कर लेता हूँ वीडियो एडिटिंग, और ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को टाटा बाय बाय, गुड नाइट।